शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाओ, शालिनी देखा तुमने? शालिनी आओ आओ यहां पर। मिस्टर एंड मिसेस गोयल, हाय। शालिनी इधर आओ, अपनी बहन और उसके खुददार पति से तो मिलो। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। सीखो कुछ इनसे, किसी भी हालात में अपने पति का साथ देना कैसे होता है, सीखो। और आज भाई तुमसे तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं। कैसे कर लेते हो ये सब काम? हाँ रानी, बड़ा 2-in-1 किस्म का इंसान है तुम्हारा पति। मल्टीपर्पस, यूनिफॉर्म ड्राइवर का काम करता है, नौकर का। शालिनी बहुत क्वालिटीज हैं इनमें। MBA है, पढ़े लिखे हैं, 30,000 की नौकरी को लात मारते हैं क्योंकि इनकी ईगो, सॉरी रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। ये काम करते वक्त तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंची। शालिनी क्या हो गया, बोलने दो मुझे, जरा पूछने तो दो रानी से कि कितना प्राउड फील कर रही है आज। क्यों रानी, फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव टू अ ड्राइवर टू अ सर्वेंट, बहुत अच्छी तरक्की है नहीं? अरे रानी, तुम तो कह रही थी तुम्हारे हस्बैंड कोई कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। व्हाट आर यू सेइंग, तुम झूठ बोलना भी सीख गई? नहीं, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा, वो एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन जिस कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे वहां से एग्जीक्यूट हो चुके हैं, है ना? ओ, मेरी बातों का बुरा लगा तुम्हें? आई एम सॉरी भाई, तुम्हारे पति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें रानी का तो ख्याल रखना चाहिए था। बेचारी महलों में पली बड़ी हुई है, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आ जाते, मैं आई एम श्योर आई वुड हैव डन समथिंग टू यू। हाँ, कम से कम रानी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से तो बच जाती। अब देखो कितना इंसल्टेड फील कर रही है ना। आपकी हमें भड़काने की सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, और आप ये मत समझिएगा कि हम और राज इसलिए चुप हैं क्योंकि शर्मिंदा हैं। हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे कि अगर हमने जवाब दिया तो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। देख लिया ना क्या इज्जत रह गई है हमारी। How disgusting!
मजाक बना कर रख दिया सबके सामने। जीजी, हम नहीं समझते कि राज ने कोई भी बुरा काम किया है। वो अपना घर चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इस बात से हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा, लेकिन दुख तो हो रहा होगा ना ये जानकर कि राज ने तुमसे ये बात छुपाई। उस दिन मेरे घर आकर मेरे पति के बारे में क्या क्या सुना कर गई थी तुम? सुना कर नहीं जीजी, बता कर गई थी। Whatever, लेकिन आज जो कुछ भी राज कर रहा है उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? जीजी, राज ने जो हमसे बात छिपाई और पुन्नी जी जो आपसे बात छिपा रहे हैं, इन दोनों के बीच भी कोई मेल नहीं है। राज ने बात छिपाई हमें सुखी देखने के लिए, हमें खुशियां देने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं। लेकिन पुन्नी जी जो वो जो बात आपसे छिपा रहे हैं, वो अपनी खुशी के लिए और आपको धोखा देने के लिए कर रहे हैं। पुन्नी पर इल्जाम मत लगाओ रानी। हम इल्जाम नहीं लगा रहे जीजी, सच कह रहे हैं। मान सकती है तो मान लीजिए रानी। दूसरों के सच और झूठ पर उंगली उठाने से पहले अपने आसपास फैले हुए झूठ को संभाल लो। Then talk to me. सॉरी रानी, नहीं चाहता था कि इन आंखों में आंसू आए, बस इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर भी हर बार मैं वजह क्यों बन जाता हूं इन आंसुओं की? रानी मैं क्या करता, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। ये काम सामने आया तो लगा चलो घर में दो पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। रोज सोचता कि आज तुम्हें सच बता ही दूंगा कि बॉस की गाड़ी वाकई में मेरे बिना नहीं चल सकती। ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूं मैं। पर यह सोचकर कि तुम्हें दुख होगा, ये बात कभी भी मेरी जुबान पर नहीं आ पाई। तो अभी बहुत हुआ है, दिल रो रहा है हमारा, पर इसलिए नहीं कि आपने नौकरी क्यों की, इसलिए कि आपने ये बात हमसे छुपाई, इसलिए कि ये नौकरी हमारे राज के लायक नहीं है, इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि ये सब आपने हमारे लिए किया ताकि हमें दुख ना हो, ताकि हमारे मुंह से मुस्कुराहट ना हटे, इसलिए आपने इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा बोझ आप अकेले सहते रहे, इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ रानी, रोज अकेला दिल ही दिल में अपने आप से 100 सवाल करता, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करता, पर जब शाम को घर लौटता तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे सारी तकलीफें दूर हो जाती। सुबह जब घर से जाता तो शाम के इंतजार में ही वक्त कट जाता। रानी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, I'm so sorry, मुझे माफ कर दो। हाँ
बच्चा, मेरा राज, अकेला सब कुछ सहता रहा, ना रानी को कुछ कहा, ना ही हम लोगों को कुछ बताया, पता ही नहीं चल रही थी। जी, मेरे बच्चे के पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए थी, और वो आज किसी और का ड्राइवर है। जी, ये देखिए, याद है आपको, 10वीं के एग्जाम्स में पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आया था मेरा बच्चा। देखिए, तस्वीर छपी थी उसकी, और आज वही अपना राज ड्राइवर बन गया। अपनी काबिलियत से कम वाली नौकरी की हमारे बेटे ने, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन फक्र भी है मुझे। अरे, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं सुरेखा, दूसरों के लिए जीना तो अपने राज को ही आता है। जानती हो सुरेखा, जो पेड़ फल देने वाले होते हैं ना, वही झुक पाते हैं। याद है अपने राज की जन्म पत्री बनाते वक्त पंडित घनश्याम दास ने क्या कहा था कि आपका ये बेटा दिल का राजा होगा, आपको उस पर फक्र होगा। फक्र है मुझे अपने राज पर। खुद दुख सहकर दूसरों के सुख के लिए जीना सिर्फ अपने राज को ही आता। सहज पावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहै, जसु गावत श्रुति चारिय जहु, तुलसी का हरि ही प्रिया। अर्थात पति की सेवा करके स्त्री पवित्र हो जाती है और सहज ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पवित्र धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है। जय श्री राम, जय बजरंगी जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम, जय बजरंगी जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम, जय बजरंगी जय श्री राम। जय हनुमान जय श्री राम, जय बजरंगी जय श्री। राज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ रानी, बोलो ना। राज, हमने तय किया कि आज से आप जॉब नहीं करेंगे। जॉब नहीं करेंगे? पर क्यों? राज, आपका सपना कुछ और है, आपका दिल आपको किसी और तरफ खींचता है, ये बात हम जानते हैं। राज, हम जानते हैं आपका सपना है कि आप मकान बनाएं, जिसमें हम जैसे बहुत सारे राज और रानी रह के उस मकान को अपना घर बना ले। पर रानी। राज प्लीज, आप हमें कहने दीजिए। हमने देखा, जब आप बिल्डिंग के प्लान्स बनाते हैं, ब्रोशर्स देखते हैं, तब आपकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है राज, और उस चमक को देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी,
कर लेंगे राज, लेकिन आपका सपना जरूर पूरा होता देखेंगे। और आपका सपना क्या, अब तो हमारी आंखें भी यही सपना देखने लग गई हैं राज। हम भी देखते हैं कि आपका एक ऑफिस होगा, आपका अपना अलग से एक बड़ा सा कैबिन होगा, उसे हम अपने हाथों से सजाएंगे, उसमें गुलदस्ता रखेंगे, गुलाब के फूल रखेंगे उसमें राज। आपको हमारा ये सपना पूरा करना पड़ेगा राज, हमारा ये सपना पूरा करना पड़ेगा। रानी, सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। नहीं राज, सपने जब साकार हो जाते तो हकीकत बन जाते हैं। राज, कुछ वक्त ही तो लगेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, प्लीज राज। नहीं रानी, पर राज प्लीज। राज, हम जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो फिर घर कैसे चलेगा, लेकिन आप उस बात की भी चिंता मत कीजिए राज। आपने सोचा है कि हम घर चलाएंगे, हम जॉब करेंगे। पर रानी, तुम जॉब करोगी? राज प्लीज मना मत कीजिएगा, कल तक हम भी बहुत मुसीबत में थे, लेकिन आज जब हमने रामायण पढ़ी तो हर बार की तरह राम जी ने हमारी हर मुश्किलें हल कर दी। राज प्लीज मना मत कीजिएगा। रानी पर मेरे होते हुए तुम जॉब कैसे कर सकती? राज, हम आपकी अर्धांगिनी है ना, और अर्धांगिनी वो ही होती है ना जो अपने पति के साथ हर सुख दुख आधा आधा बांटे। राज प्लीज। राज, हम कौन सा कह रहे हैं कि हम जिंदगी भर नौकरी करेंगे, बस कुछ ही टाइम की तो बात है, जब आपका सपना साकार हो जाएगा हम ये नौकरी छोड़ देंगे। प्लीज राज, सोच के तो देखिए, एक बार शांत दिमाग से सोचिए राज। हम चलते हैं। हाँ रानी, चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें छोड़ने और कहाँ? नहीं राज, आज हमें अकेले जाने दीजिए। पर रानी। राज, अब हमें अपने कदमों पर पूरा विश्वास हो गया है, क्योंकि हमारा दिल जानता है कि आप हमारे साथ हैं, आपका प्यार हमारे साथ है। ऐसे क्या देख रहे हैं? इस सुपरवुमन को। हे भगवान, मेरे बच्चों के अंग मंग रहना, इतनी कड़ी परीक्षा मत ले राजा रानी की। दोनों दिल के सच्चे हैं, उनके सपने पूरे कर भगवान, पूरे कर दे। भगवान जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में सफल हो, क्योंकि हमारी कामयाबी में ही राज की कामयाबी है। माँ, जीती रह, खुश रह। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, आज हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। हमने राज से भी कहा है कि अब उन्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस अपना सपना पूरा करें। तो घर चलाने के लिए अब तू नौकरी करेगी? हाँ माँ, हम तो बस अपना धर्म निभा रहे हैं, वैसे हमारे इस फैसले में राज भी हमारे साथ हैं। इतनी सी उम्र में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें और समझदारी की बातें कैसे कर लेती है? इन्हें देख रही है रानी? बेटा, ये पत्थर दिल नहीं है, कभी भी जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों की परीक्षा ये लेते ही नहीं। ये ले, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी देखना। आज मंदिर में खड़े होकर एक माँ ने तुझे आशीर्वाद दिया है, अब इस आशीर्वाद की लाज और इसकी मान रखना
इनके हाथों में। खुशखबरी लाना। महलों वाली रे।